हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 5.5। ओके, तो 5.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे हम क्या फिल करें, यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 9359 है, यहाँ पे 9359 ये डिजिट लिखी हुई है, तो नंबर क्या हो जाए 9359 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो 9359। अगर हम सेम नंबर का डिवाइड सेम नंबर से देते हैं तो आंसर वी गेट वन, हमें आंसर वन मिल जाता है। इसी टाइप से व्हेन वी डिवाइड बाय वन इन एनी नंबर सो आंसर विल बी सेम। ओके, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 18750, तो जब हम इसमें फाइव वन से डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा सेम हो जाएगा 18750। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से यहाँ पे देखो 12559, अगर हम किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर हमारे पास जीरो है और नीचे चाहे कुछ भी नंबर लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 31 लिख दो, चाहे 315, कुछ भी नंबर लिखो, आंसर यू गेट जीरो ऑलवेज। ओके, ऑलवेज लर्न इट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या है 89549, यहाँ पे 89549 सेम नंबर इसी टाइप से है ये। ओके, तो सेम नंबर्स हैं, तो सेम नंबर का डिवाइड इसी नंबर में देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका वन। इसी टाइप से यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये नंबर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन गया, तो इसमें भी डिवाइड जीरो में देना है, इसमें कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर लिख दो यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे हमें लेकर आना है वन, तो किस नंबर से हम डिवाइड देंगे, 35 में डिवाइड देंगे 35 को, यानी सेम नंबर का डिवाइड सेम नंबर से देते हैं तो वही हमारा सेम नंबर आंसर आ जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 45 गिव्स द क्वेश्चन 45 एंड रिमाइंडर 9। तो क्या नंबर होगा, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 45, 45 से डिवाइड दें और हमें मिल जाए क्वेश्चन तो 25 और नंबर मिल जाए हमें, रिमाइंडर मिल जाए हमें 9। ओके, तो नंबर हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको इधर ही बता देते हैं नोटबुक में। अब हमने लिखा डिवाइजर है 45, डिविडेंड के प्लेस में हम नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमें दे रखा है 25 और रिमाइंडर दे रखा है 9, डिवाइजर भी दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ नंबर, क्वेश्चन के प्लेस पर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइजर कितना है 45 और क्वेश्चन कितना है 25, रिमाइंडर कितना है 9। तो अब यहाँ पे लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको 9 में ऐड कर देना, तो 45 और 25 को मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 22, मल्टीप्लाई इसी टाइप से यहाँ हो जाएगा 95 2 11, यहाँ हो जाएगा 11 2 5 प्लस 9। ओके, तो आंसर वी गेट 11 25 में 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11 34। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपसे नंबर पूछा है ना वो नंबर आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4904 व्हेन डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर गिव्स 29, कोई सर्टेन नंबर है वो 29 देता है। ओके, एज क्वेश्चन मिल जाता है एंड 3 एज रिमाइंडर, और 3 रिमाइंडर की तरह मिल जाता है, फाइंड द डिवाइजर, आपको डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड किया ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि आपको ये दे रखा है। ओके, ये डिविडेंड दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये रिमाइंडर दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है डिवाइजर। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला वही रहेगा सेम जो हमने ऊपर लिखवा रखा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास 4904 ऑलरेडी इज गिवन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई 29 प्लस रिमाइंडर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस 3 को इधर लेकर आ जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4904 माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स इंटू 29। ओके, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4901 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स इंटू 29, तो 29 का डिवाइड दे दो, 4901 बाय 9 इक्वल्स टू एक्स। ओके, नाउ डिवाइडेड बाई 29। ओके, इधर करके हम बता देते हैं आपको, 4901 इसमें डिवाइड 29 का देना है, तो 29 1 जा 29। ओके, 0 हो जाएगा इधर, 2 हो जाएगा, और ब्रिंग डाउन कर हमने 0। अब इसमें डिवाइड इस टाइप से देना है कि इससे आगे नहीं आना चाहिए, तो 29 5 जा कितना होता है, 194 145, 6 टाइम करके देख लो,
24 5 6 2 8 12 5 17 174 राइट है। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 174। अब सब्ट्रैक्ट करो 10 में से, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 4 एंड आंसर यू गेट 6। नाउ हियर इज 9, सो 9 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 यू गेट 2। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 और ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स अब इसको कितने टाइम करके देखेंगे हम, और यहाँ पे 9 टाइम करके देख लो 29 9 9 9 81 8 9 2 18 18 9 8 26 2 6 1। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 261। 169 आपका आंसर हो जाएगा, 169 = 2x। ओके इट्स योर आंसर 169। ओके स्टूडेंट्स तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।